उज्जैन के घटिया तहसील में आने वाली वार्ड क्रमांक 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए तहसील मुख्यालय घटिया से जिला मुख्यालय पहुंचकर मंजू संजय वर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मंजू संजय वर्मा पिछले कई वर्षों से इस वार्ड में स्थानीय रहवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर काम करती चली आ रही है। तहसील मुख्यालय से घटिया के जिला मुख्यालय पहुंची और नामांकन पत्र दाखिल किया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड है और आपके वार्ड में किस प्रकार से काम हो सकते हैं? हमारे जिला पंचायत वार्ड में 3 नंबर वार्ड है, इसमें 40 से 45 गांव हैं, जिसमें हम सभी गांव में विकास योजनाएं, गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं रहेंगी उन योजनाओं का। आपके वार्ड में कौन अभी दीदी चुनाव लड़ रही है, क्या नाम है इनका? और इनका नाम है मंजू संजय वर्मा। आप मानते हैं कि आपके वार्ड में जो है काम होंगे और समस्या? बिल्कुल होंगे। अच्छा, और सभी की समस्या का समाधान होगा, अच्छे से कार्य होंगे। नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं और आप कैसे मानते हैं कि इस वार्ड में काम होंगे और किस प्रकार से क्या समझते हैं? वीरेंद्र भैया, आप कई वर्षों से मुझे जानते हैं, मैं भी आपको कई वर्षों से जानता हूँ। दीदी वार्ड नंबर 3 जिला पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं मंजू संजय वर्मा। वार्ड वासियों से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, मुझे और मेरी पत्नी को बहू और बेटे जैसे मानते हैं, मुझे उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त है। आप इस वार्ड में कैसे जो है काम करने की सोचते हैं, बेहतर बनाने की सोचते हैं और क्या सोचते हैं इस वार्ड के लिए? वीरेंद्र जी, आप जानते हैं मैं कई वर्षों से जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जनता के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, उनके साथ उनकी समस्याओं के लिए मजबूती से कंधा मिलाकर खड़ा रहता हूँ। चाहे वो कोई भी समस्या हो, मंडी से संबंधित समस्या हो, किसानों से संबंधित समस्या हो, या जो भी जन हितैषी समस्याओं हैं, उनके लिए मैं हर वर्ग हर साथी के लिए ताकत से खड़ा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।